स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक और यूपी तक पर इस वक्त आप वाराणसी में उन तमाम महिलाओं को सुनेंगे जिन्होंने अपना वोट किया है। ये तमाम महिलाएं हैं शहर की, जो कि जिन्होंने अभी कुछ देर पहले अपना वोट डाला है। कुछ लोग वोट की कतार में हैं, लेकिन बड़ी तादाद में महिलाएं निकली हैं वोट करने। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, लगातार दो बार से यहाँ से सांसद और देश के प्रधानमंत्री हैं। तो क्या है यहाँ का माहौल, ये बताइए कि किस मुद्दे को सोचकर आप लोग यहाँ वोट करने आई हैं बड़ी तादाद में? मुद्दे को सोच क्या है, ऐसे हमारा भाई जो हम लोग का जो विकास हो रहा है अच्छे से, मोदी जी आ रहे हैं तो वो बढ़िया कर रहे हैं, हम लोग के बच्चों का भविष्य बनेगा और हम लोग यही सोच के मोदी जी को फिर से लाना चाहते हैं, मोदी जी को लाना चाहते हैं। तो ये बताइए कि महिलाएं ही ज्यादा इस तरीके का सोचती हैं या नहीं? जेंट्स लोग भी सोचते हैं, हम लोग घर के लोग भी सोचते, सभी लोग सोच रहे हैं, भाई अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको आना ही चाहिए। मुद्दे क्या है, क्या मुद्दे है? क्या मुद्दे है जो है तो आप जान ही रहे हैं, उसके बारे में क्या बताएं। चलिए, फर्स्ट टाइम वोटर हो आप लोग? जी, तो वोट फॉर डेवलपमेंट, हमारे इंडिया का जो डेवलपमेंट करेगा, हमारे बनारस का जो डेवलपमेंट करेगा और स्पेशली हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो भी डेवलपमेंट करेगा, मैं तो उसी को वोट दूंगा। आई एम फर्स्ट वोटर, सो बराबर तो फर्स्ट वोटर है, लेकिन राहुल गांधी भी युवा हैं और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए वो भी बात कर रहे हैं। नहीं, हमें तो, हमने जितना विकास जितना भी देखा है बीजेपी की तरफ से देखा है, तो सो चलिए। क्या नाम है आप भाई? हम मोदी के द्वारा विकास किए हैं, अब विकास करेंगे। अभी यह कि अब जो गरीबी है हम लोग के दूर करें, लड़की लड़का का ब्याह शादी करना है, तो मोदी का हमारा यह कहना है कि हमारे लड़की की सुविधा मिले। अच्छा, हर चीज अभी मिल रही है कि नहीं महिलाओं को? अभी मिला नहीं, खाली बस गैस पास किए हैं, वो गैस को पैसा वो मिल रहा है, और जो साल में एक दाई होता है दीपावली या होली, विकास किए हैं, वो खाते में पैसा जा रहा है। ठीक है, लड़किन के जो है ब्याह शादी करना, पैसा का बजट भी है कमजोर, यही में करना ये मांग है आप लोग। बढ़िया किए हैं मोदी, बाकी इतनी महंगाई करे, महंगाई ज्यादा है, महिलाओं को दिक्कत हो रही है? दिक्कत बहुत है, तो वो तो खाली महिलाओं की ही बात कर रहे हैं। नहीं, महंगाई तो किए हैं, काम किए हैं, काम किए हैं, लेकिन महंगाई ज्यादा करते हैं। तो माहौल किसका है, माहौल यहाँ किसका है? मोदी का। इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन फील्ड में रिफॉर्म्स टू आ रहे हैं, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया और जो राम मंदिर का इशू है वो, आर्टिकल 370 का इशू हो गया, ये सारे इशूज बहुत बड़े इशूज है। और अभी जैसे कल ही रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक फोरम की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, कि 8.2% समथिंग हो गया है हमारा जीडीपी, मतलब हमारा डेवलपमेंट रेट। सो दैट इज अ वेरी मेजर इशू एंड दैट इज वेरी अप्रिशिएटेबल बाय द गवर्नमेंट। लेकिन क्या नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दे हैं या नहीं? हाँ, तो नौकरी तो मिली नहीं, अगर जिसका स्किल्स है उसको नौकरी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज नहीं आ रही या फिर जो है लोग एकदम बेरोजगार बैठे हैं। अगर आप पहले के मुकाबले देखें कि लोगों के पास स्किल सेट बहुत ज़्यादा है, और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो वुमेन जितनी भी है वो बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करिए, हर फील्ड में आगे बढ़ रही है। मैं यही सोच रहा हूँ कि ये तो मेरा अधिकार है, मुझे चुनना चाहिए, जरूर निकलना चाहिए, और बस विकास, विकास अच्छा हो रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ऐसे ही आगे को आगे बढ़ाते हुए। हम बनारस वाले बहुत संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं आप? हाँ, बहुत संतुष्ट। आपका नाम क्या है? अजय श्रीवास्तव मेरा नाम है। क्या है वोटिंग का मुद्दे? तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्राइमरी इश्यूज हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आप देख भी रहे हैं कि हाईवे, एयरवे, रेलवे, सीवे, ये सारी चीजें बहुत ही एक स्टैंडर्ड स्टेज तक आ चुकी है, जो कि हमारे किसी भी इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी ग्रोथ करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश का कोई जो है कि पीएम या सीएम ग्रोथ करता है, नहीं, इस देश में रहने वाले 140 करोड़ के लोग ग्रोथ करते हैं। जैसे कोई भी चीज होती है, डेवलपमेंट में हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, परिवहन हो, ये हमारी बेसिक इश्यू है। लेकिन आपको लगता है महंगाई भी और बेरोजगारी मुद्दा है? इसका मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगा, आफ्टर पैंडेमिक आप जानते हैं कि पूरी दुनिया पैंडेमिक में एक बंद सचर की तरह हो गई थी, बंद, एक सारे रास्ते बंद हो गए थे, प्रोडक्शन शून्य हो गया था, और लगभग एक से लेकर 1.5 साल तक ये उत्पादन बंद था। उसके बाद 2 वॉर हुए हैं, जो है यूक्रेन सप्लाई चेन का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, और आफ्टर इसराइल एंड हमास के बीच का आप जो है कि वॉर देख रहे हैं, और दुनिया एक अलग तरह की है जब आपका सप्लाई चेन कम हो गई, क्योंकि भारत
पहले इकोनॉमी के मैकर में, प्रोडक्शंस के मैकर में बहुत पीछे था, आज हम पांचवी ग्रोथ के रूप में भी आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन है। अच्छा, ये आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, सैटिस्फाइड वोटर लग रहा है, बस एक चीज, नहीं बस एक चीज बोल रहा हूं, यदि कोई भी चीज प्रोडक्ट हो रही है तो वो तथास्तु कहने से नहीं होती, वह उसमें इन्वेस्टमेंट से होता है, और इन्वेस्टमेंट होता है तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप जनरेट होती है। हैं, नहीं मिली, क्या सोचा है वोट करने के पहले? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लोग तो कह रहे हैं बड़ी बेरोजगारी है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी है और नौकरी की कमी है। नहीं, अभी मोदी जी वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं। क्या नाम है आपका? सची श्रीवास्तव। अच्छा, ठीक है, तो क्या है आप लोगों के मुद्दे? कि आगे एजुकेशन बढ़े, नौकरी आए, बेरोजगारी तो नहीं रही, पहले थी, बट अब लोग अपने पैरों पे खुद हैं, जिनके पास स्किल से आगे बढ़ी रहे हैं। किसका बेरोजगारी मिटेगी? बेरोजगारी मिटेगी कैसे, क्या क्या सोचा है इसमें? लोगों ने कहा है कि इस बार रोजगार दिया जाएगा, इस वजह से बेरोजगारी, हर बार पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, इस वजह से बेरोजगारी मिटे। हम लोग ने अपने नेशन के लिए वोट दिया है ताकि कोई ऐसा प्रधानमंत्री आए जो हमारे इंडिया देश को छुटने ना दे, बस यही सोच के पहले मतदान फिर पढ़ना पाने। इस बार हमारा मुद्दा केवल वाराणसी से है, वाराणसी एक मुक्त की नगरी है जहाँ जगह जगह से लोग आके अपना अंतिम समय गुजारते हैं। हमारा सरकार से यही कहना है, जो भी सरकार हो यहाँ उसका अंतिम संस्कार नगर निगम द्वारा हो, मरने के बाद भी लूट खसोट न। यही मुद्दा है आपके? हाँ, मेन मुद्दा ये है, बाकी जीते जी तो लूटेंगे ही, मरने के बाद भी न लूटे आदमी। तो आपको लग रहा है लोग लूट रहे हैं मरने के बाद? भाई आप घाट पर जाके स्थिति देखिए, आज की परिस्थिति देख लीजिए, जो टेम्परेचर है, जो परिस्थितियाँ हैं। बस सफाई वगैरह को देख के हमें संतुष्टि है कि काफी अच्छा, ये सब पहलू पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, घर घर आके कूड़ा लेते हैं, पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी, और पेड़ पौधों को देख के, मतलब हरियाली पर्यावरण को लेके बहुत संतुष्टि है, जो कि आगे बहुत जरूरी। बदला है क्या वाराणसी? जी बहुत बदला है। तो मोदी सरकार है, उससे जो ऐसा आदमी जो काम कर रहा है उसको जिताएंगे हम लोग, मोदी है, ऐसा सिर कहाँ मिलेगा, चला गया तो ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। जो समझदार है, जो समझदारी है तो आदमी को पहचानता है, जो उसको नहीं है तो उसके बाद से क्या मतलब, वो आदमी देश के चलाने वाला मोदी ही है, ऐसा आदमी कोई नहीं चला पाएगा देश को, कोई भी आएगा तो देश बिक जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि चला गया तो नहीं मिलेगा ऐसा? ना, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, मोदी जैसा आदमी से नहीं मिलेगा जो चलाता है देश। देख रहे कुछ हो रहा देश में, पूरा हर जगह पूरा एकदम काम ओके है, कोई दिक्कत नहीं, काम धंधा में हर जगह रोड रास्ता कहीं भी देखिए हर चीज अच्छा मिलता है देखने में, धांधली मादली चोर चिनेती कहाँ हो रहा है। तो आप लोग खुश हैं? हम, अरे हम तो खुश, एकदम खुश हैं। मत इसलिए देने आई हूँ क्योंकि जो व्यक्ति दूर दृष्टि का सोचता है, ऐसा नहीं कि हमने कह दिया और हमने ये कर दिया, हमने वन फर्स्ट स्टेप देखा, सेकंड स्टेप देखा, थर्ड स्टेप देखा, नहीं। जो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पॉलिटिशियन का हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, अगर वो दूर दृष्टि की सोचता है और वो सही दिशा में वर्ग करता है तो हमें ऐसे व्यक्ति को आगे पहुँचाना चाहिए। और यही शायद इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर कोई अपने मन से, अपने विचारों से वोट करता है। वाराणसी से कुमार अभिषेक, युपी तक।